हाय गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। फ्रेंड्स, आज हम यहां पर टॉपिक कवर करने वाले हैं डस्टिंग पाउडर्स, यानी फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, देन साथ ही में हम देखेंगे इसके टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डस्टिंग पाउडर और साथ ही फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मुलेशंस ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फ्रेंड्स 5 और सेक्शन 6, यानी फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर रहा था, जिसमें हमने यहाँ पे इंसुलेशन को फुल डिटेल्स में यहाँ पे कवर किया था। तो आज हम डस्टिंग पाउडर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये टू टॉपिक्स आपके रहेंगे, जो यहाँ पे हम अगले वीडियो लेक्चर्स में इसको हम कवर कर लेंगे। तो गाइस, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे सभी वीडियो लेक्चर्स जो बिल्कुल सीरियल वाइज होते हैं, साथ ही में उसके नोट्स। तो नोट्स के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या होते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर्स। तो जनरल फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर्स, यानी आपने देखा है ना सब कभी कभी क्या होते हैं हमारे एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं। क्या होता है आपकी बॉडी में इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, यानी किसी तरह से क्या होता है आपकी जो एक्सटर्नल स्किन पर फ्रेंड्स दिक्कत वगैरह होती है, जिसमें जितने भी टाइप्स का हम पाउडर्स का यूज़ करते हैं सभी क्या होते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर्स की फॉर्म में यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। दिस पाउडर्स आर अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन लोकल साइट्स बट आर नॉट मीट फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो भाई क्या होता है इनके बॉडी के लोकल साइट पर हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं फ्रेंड्स से ओनली लोकल साइट्स पे इफेक्ट करते हैं अपना, क्योंकि भाई इनको माउथ के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमारे सिस्टमिक इफेक्ट भी यहाँ पर शो करते हैं। तो लोकल साइट पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है आपको भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, दांत खाद खुजली में भी क्या होता है भाई पाउडर्स वगैरह भी देते हैं डॉक्टर्स वगैरह। तो क्या होता है एक तरह से हमारे जो मेन जो फ्रेंड्स इसका वो होता है, यानी एक तरह से जितने भी इन्फेक्शन हमारी एक्सटर्नल स्किन पर हो जाते हैं उनका रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम डस्टिंग पाउडर्स का यूज़ यहाँ पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो भाई क्या होता है बॉडी पर लुब्रिकेंट की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही में प्रोटेक्टिव एजेंट्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही में एब्जॉर्बेंट की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही में एंटीसेप्टिक के रूप में फ्रेंड्स हम इसका यूज़ करते हैं और एंटी प्रूरिटिक्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स ये कुछ यहाँ पर क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम इनका यूज़ एक तरह से करते हैं, यानी इनके जैसे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे कंटेन मेडिकामेंट्स। तो भाई क्या होता है एक तरह से भाई क्या कर रहे हैं मतलब मेडिकेटेड इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो हमारे मेडिकेटेड जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे जो हमारे मेडिसिन वगैरह होती है उससे हम इसको ऑब्टेन एक तरह से करते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में फ्रेंड्स ये होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डस्टिंग पाउडर्स, यानी कितने टाइप्स के हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। तो जनरली इनको फ्रेंड्स टू टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया, यानी फर्स्ट हमारे होते हैं मेडिकेटिंग डस्टिंग पाउडर्स, यानी जितने भी आप क्या करते हैं मेडिकल्स वगैरह से क्या करते हैं आप पाउडर्स वगैरह लेते हैं या क्लिनिक वगैरह से, तो क्या होते हैं हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं मेडिकेटेड। नेक्स्ट हमारे होते हैं सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जितने भी टाइप्स के पाउडर्स होते हैं जिनके यूज़ हम कहाँ पर करते हैं सर्जरी में करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स हम यहाँ पर कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स, यानी मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स आर मेनली यूज्ड फॉर सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस। यानी भाई क्या होता है आपकी बॉडी पर इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो यानी सुपरफिशियल एक तरह से हम देखें तो बॉडी के ऊपर क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स किस तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, यानी किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी की स्किन डैमेज वगैरह हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए किल करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स का। अब यहाँ पे एक ही आप लिख दें, वैसे इसके टाइप्स अगर पूछता है तो साथ ही में अगर आप सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं दोज डस्टिंग पाउडर विच आर यूज इन सर्जिकल ऑपरेशंस। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यानी एक तरह से देखें हमारे जो सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो पाउडर्स होते हैं जिनका यूज़ हम सर्जरी में करते हैं, तो भी सर्जरी में बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें हम उनका यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप चाहें तो उसकी भी डेफिनेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपको फ्रेंड जरूरत नहीं है आप सिर्फ इसको यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डस्टिंग पाउडर्स, यानी डस्टिंग पाउडर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती है। दिस शुड बी होमोजेनस। तो भाई क्या होता है बिल्कुल एक समान होता है, ऐसे नहीं है डस्टिंग पाउडर है तो पार्टिकल्स थोड़े छोटे होंगे थोड़े बड़े होंगे, क्या होता है बिल्कुल एक समान पार्टिकल्स की फॉर्म में ही हमारे होते हैं, क्योंकि होता है फ्रेंड्स जब इनको प्रिपेयर किया जाता है तो मान लीजिए एक ही नंबर किसी यहाँ पर क्या की जाती है यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पर पार होकर एक तरह से छन के क्या होते हैं फ्रेंड्स से प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे शुड बी नॉन इरिटेंट। तो भाई नॉन इरिटेंट तो होते ही होते हैं, क्योंकि एक तरह से इरिटेशन वगैरह को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ कर लें। दे शुड बी फ्रीली फ्लोइंग। तो भाई क्या होता है फ्रीली फ्लोइंग हमारे होते हैं, साथ में क्या होता है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन, यानी स्किन को क्या करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो एक तरह से पसीना वगैरह होता है उससे हो, साथ में किसी तरह के इन्फेक्शन से क्या करते हैं एक तरह से प्रोटेक्शन देने का वर्क यहाँ पर करते हैं। मोर इफेक्ट। तो भाई क्या होता है मोर इफेक्टिव ये हमारे होते हैं, साथ ही में नॉट एक्सपेंसिव, भाई ये महंगे भी यहाँ पे नहीं होते हैं।
अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेन हमारे यहाँ पर आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर। इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम आपको एक तरह से मतलब पूरे प्रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमें डिस्पेंस यहाँ पर करना है 100 ग्राम ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। यानी मान लीजिए आप इस टाइम लैब में हो और आपको क्या करना है 100 ग्राम यहाँ पर डस्टिंग पाउडर्स बनाना है। तो भाई किस तरह से आप बनाएंगे, यानी RX यानी क्या करना है आपको 2 टेक फ्लेयर्स यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्योरीफाइड टाल्क लेंगे 50 ग्राम, देन आप स्टार्क लेंगे 25 ग्राम, साथ में जिंक ऑक्साइड आप लेंगे 20 ग्राम और साथ में सैलिसाइलिक एसिड 5 ग्राम। यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 20 और 5 25 हो गया, और यहाँ पे 25 50 और 50 यहाँ पे 100, यानी आपका 100 ग्राम यहाँ पे डस्टिंग पाउडर्स हो जाएगा। अब भाई क्या करेंगे, चलिए मेथड हम देख लेते हैं। पाउडर्स आलगा इंग्रेडिएंट्स वेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्योरीफाइड टाल्क, यानी आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में क्या करेंगे, जितने भी आपको लेने भी मान लीजिए प्योरीफाइड टाल्क आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले ली, स्टार्च आपने ले ली, जिंक ले ली और साथ में सैलिसिलिक एसिड, सभी को जितनी अमाउंट्स में आपको चाहिए था, यानी 50 ग्राम 25 ग्राम 20 ग्राम 5 ग्राम सभी को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपने क्या किया, वेट किया, साथ में क्या किया फ्रेंड्स, सभी को आपने क्या किया यहाँ पे मिला लिया, और एक तरह से मेथड के थ्रू क्या कर लिया आपने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया डस्टिंग पाउडर्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं डायरेक्शन। यानी फ्रेंड्स डायरेक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ आप उसको किस तरह से ले रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें यह हम पता करते हैं। तो आपको जो डस्टिंग पाउडर फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं अप्लाइड ऑन अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्किन, यानी बॉडी का जो आपको अफेक्टेड पार्ट होता है भाई, आपको इन्फेक्शन वगैरह हो गया, या मान लीजिए गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो रहा है तो आपकी बॉडी पे घमौले वगैरह या दाने वगैरह हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप डर्मिकुल वगैरह का डस्टिंग पाउडर से एक तरह से यूज़ करते हैं, तो वो भी डस्टिंग पाउडर होता है। साथ में क्या करते हैं, आपका जो इन्फेक्शन बॉडी पर जब भी आप यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है आपको मज़े में कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं है बस आप उसका यूज़ किया जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। 2 और 3 times इन अ डे, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, जो दिन में 2 से 3 बार क्या कर सकते हैं, एक दिन में आप इसका यूज़ अपनी बॉडी पर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशंस, यानी क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं उसमें हम इसको स्टोर यहाँ पे करते हैं। अब चलिए लेबलिंग, वैसे डायरेक्शन में फ्रेंड्स हमने इसको पढ़ लिया, देना आप इसकी लेबलिंग भी लिख सकते हैं। तो लेबलिंग में फ्रेंड्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, यानी इसका यूज़ आप ओनली एक्सटर्नली करें, ऐसा नहीं आप इसको एडमिनिस्ट्रेट करें माउथ के थ्रू। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो भाई छोटे छोटे लेक्चर्स और साथ में फ्रेंड्स डस्टिंग पाउडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।